वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों की दुआ से और अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि सुबह 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 का जो मंज़र है हमारे छत से वो कैसा होता है। तो बहुत ही प्यारा मंज़र होता है, इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तकरीबन टाइम हो चुका है 6:30, तकरीबन 6:30 का टाइम है। थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, इसके लिए सॉरी। अगर इससे मैं पहले तकरीबन 1 घंटा पहले वीडियो बना लेता तो बहुत ही अच्छा होता। तो लेकिन अभी भी सूरज जो है वो तुलू हो रहा है और ठंडी ठंडी आज हवा चल रही है। मौसम जो वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और गर्मी ख़त्म हो चुकी है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। अभी जो है ना सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड सी जो है ना वो महसूस होती है। तो अभी सूरज तुलू हो रहा है और ये आप देख रहे होंगे पीछे, वो देखें, ये हमारे छत से जो है नज़र आता है बिल्कुल सीधा। तो और इसके अलावा ये पीछे आप देख रहे हैं खेत हरे भरे ये सारे। तो चलें, ये बैक कैमरे से आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। तो देख सकते हैं सूरज अभी तुलू हो रहा है और ये मंज़र बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। मैं हर रोज़ तकरीबन हर रोज़ अपनी छत पर आता हूँ, नमाज़ पढ़ के और वॉक करके तकरीबन आधा घंटा, तो 5-5:30 बजे के दरमियान मैं अपनी छत पर डेली आता हूँ डेली। तो ये मंज़र देखता हूँ, ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। ये सुबह सुबह का मंज़र, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और साथ ये सूरज तुलू होने का ये जो मंज़र है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं और जो चीज़ अच्छी लगती है मुझे वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र। अभी आप लोगों को खेत भी दिखाते हैं, वो सामने मेरा गाँव है, ये देखें जी, ये मंज़र भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही और आप ऐसा मंज़र देखें तो माशाल्लाह किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं है माशाल्लाह जी। ये देख, ये चावल की फसल लगाई हुई है लोगों ने और वो सामने मोटर है एक पानी लगाने के लिए जो होती है, और वो फसल आप देख रहे हैं वो पक चुकी हुई है। कुछ फसलें पक गई हैं और कुछ अभी नहीं पकी, तकरीबन एक मंथ के अंदर अंदर ये फसलें सारी तैयार हो जाएंगी। और बहुत ही प्यारा मंज़र है ये जी, ये मंज़र तो आपने आपको दिखा दिया मैंने। ये सारा रिफ्रेशमेंट और इन्जॉयमेंट के बाद का जो दूसरा काम है मेरा, चलें वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो दूसरा काम जी ये है जी, ये छत पर मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया इनके लिए। तो ये चूज़े मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं और इनका ये सेटअप है, ये छोटा सा एक सेटअप बनाया हुआ, खुद ही बनाया। तो इनको पानी वगैरह इनका देख लेते हैं, पानी डालने वाला हुआ यार, पानी भी डालते हैं इनको और इनको खुराक वगैरह डालनी होती है सुबह। तो ये भी एक समय ले कर रोने के लिए रखे हुए हैं। ये मुर्गा सुबह सुबह तकरीबन 2 बजे ये जो है ना वो बोलना शुरू होता है और तब तक बोलता रहता है जब तक ये सारे घर वाले जाग ना जाएं। तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही हो और जो मुर्गे हैं वो अपनी जो है अपने तरीके से जो बोल रहे हों, तो बहुत अच्छा लगता है। तो छत पर आने के बाद दूसरा काम मेरा ये होता है, रिफ़्रेशमेंट के बाद इंजॉय करने के बाद इनको खुराक वगैरह पानी डालना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा थे ये, आप तकरीबन ये 5 ही रह चुके हैं, 3 ही रह चुके हैं, ये तकरीबन 10-12 थे, ये अभी 3 ही रह गए हैं मेरा ख्याल है, 10-12 से भी ज़्यादा थे। तो
इनको रखा हुआ है रोने के लिए। माशाल्लाह हमारा घर जो है वो एक अच्छी लोकेशन पे है, गांव से जो बाहर रहते थे थोड़ा सा, तो अभी इधर इतने घर नहीं बने हुए। तो सुबह सुबह जो है ना वो आपको खेतों का सरसब्ज नज़ारा देखने को मिल जाता है, और इतना इधर शोर भी नहीं होता, इतना पुरसकून सा माहौल है। अभी इधर घर बहुत कम है, तो परिंदे चहचहा रहे होते हैं सुबह सुबह, और आपको जो है ना सारे खेत दिखाई देते हैं। ये अगर गांव में आपका घर हो तो ये मंज़र नहीं फिर देखने को मिलता, ये सारा जो है ना। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है ना खूबसूरत मंज़र होता है। तो मैंने सोचा कि जो गांव की अच्छी अच्छी वीडियो और जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो अपने चैनल पर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। तो यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में आपको जिस गांव के किसी भी रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में आपने जो वो कमेंट में लिख देना। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि इस पर एक तफसीलन और एक अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है, और दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।